सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कल्पना के बाद उस पर अमल जरूर करना चाहिए। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, उस पर चढ़ना भी जरूरी है। सड़क कभी भी सीधी नहीं होती, कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है। जिंदगी भी सड़क जैसी है, बस धैर्य के साथ चलते रहें, सुखद मोड़ अवश्य आएगा। जीवन में इतने व्यस्त रहिए कि पछतावा, डर, दुख, नफरत के लिए टाइम ही ना रहें। याद रखें, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे दुखी रहता है। आज का पंचांग 14 जनवरी 2021 दिन गुरुवार, पौष मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि, सुबह 9:01 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। श्रवण नामक नक्षत्र सुबह 5:04 तक रहेगी। इसके उपरांत धनिष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 1:56 से 3:12 तक रहेगा। आज का बिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 12:14 से 12:57 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर सुबह 8:20 तक रहेगी। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर सुबह 8:20 तक रहेंगे। इसके उपरांत मकर राशि पर प्रवेश करेंगे। वृश्चिक राशि 14 जनवरी 2021 दिन गुरुवार, आपका दिमाग और साहस आपको एक ही दिशा के बारे में बता रहे हैं। कभी कभी असाधारण सोच और रचनात्मक विचार कमाल कर देते हैं। अपने अंदर के बच्चे को जगाएं। मनोरंजन के लिए समय निकालने से आपको लंबे समय तक कड़ी मेहनत करने की ऊर्जा मिल जाएगी। लोग आपकी संगति का आनंद लेते हैं और आज आपकी काम के प्रति कुशलता की मांग रहेगी। अपने उज्ज्वल विचारों से आप अपनी ही नहीं बल्कि अन्य लोगों की समस्याओं को भी हल करेंगे। याद रखें, अच्छे कामों का नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है। सही दिशा में उठाया गया एक छोटा कदम भी बहुत बड़ा साबित होगा। किसी समाज सेवी संस्था से जुड़ने तथा उनमें अपना सहयोग देने में आज का अधिकतर समय व्यतीत होगा। अगर घर परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो आज उनके लिए योजना बनाने के लिए उत्तम समय है। युवाओं को अपनी मेहनत की शुभ परिणाम हासिल होंगे। फिलहाल आपके काम आसानी से हो रहे हैं और आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बन रही है, फिर भी आप परिस्थिति का पूरा फायदा नहीं उठा रहे हैं। खुद के जीवन के प्रति अधिक फोकस बढ़ाने की आवश्यकता होगी। दूसरों की मदद करने से पहले अपने काम को पूरा करना आपको सीखना होगा। सावधानियां, ध्यान रखें कि आपके अहम की वजह से आपके कुछ बनते काम बिगड़ सकते हैं तथा भाइयों के साथ ही कोई मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। समझदारी तथा शांतिपूर्ण तरीके से काम लेने से परिस्थिति ठीक हो जाएगी। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर और अधिक ध्यान देंगे। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी आपसी सहयोग द्वारा व्यवसाय संबंधी सभी कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करेंगे। अपने साथी से दिल खोलकर बात करें और साथ और मोहब्बत के इस सुनहरे एहसास को अपने दिल में ना छुपा कर रखें। इससे आपका रिश्ता और मजबूत होगा। आज के दिन आपके लिए शानदार हैं, जिनमें पूरी स्पॉट लाइफ सिर्फ आपकी ओर ही है। आपका साथी आपके रोमांटिक कुशलता और आपकी कंपनी दोनों की तारीफ करेगा। आज आपका रोमांटिक मूड सुखद और रोमांचक होने के कारण प्यार के हर क्षण और भी मददगार बनेंगे। अपने प्यार को और गहरा बनाने के लिए प्रयास करें। बात करते हैं करियर की।
अचानक टूटा दिल या रिश्ता आपके सपनों को पूरा करने में बाधा बन सकता है, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता और खुद पर विश्वास रखें। सफलता आपके कदम चूमेगी, आपको किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। ऐसे में दलाल या एजेंटों की बातों में ना आए। ड्रीम जॉब आपको मिल सकती है, बस धैर्य रखें। आपको ऑफिस के उस व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जो हर परेशानी को दूर कर सकता है। सार्वजनिक संबंध अधिक समय लेते हैं, लेकिन उनसे अधिक फायदा होता है। बात करते हैं सेहत की। आज आप खुद को थोड़ा सा बोर महसूस करेंगे, जिसकी वजह से आपको थकावट रहेगी। आपको खुद से हिम्मत बांधनी होगी और बिस्तर से उठकर व्यायाम के लिए जाना होगा। ज्यादा मेहनत करने से आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा और आपके अंदर किसी काम को करने की उत्तेजना बढ़ेगी। आज का उपाय, आज आप गरीबों को केले और पीले कपड़े का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।